पांच बार जीत चुकी है इंडिया पाकिस्तान से, तो और हर बार भी मेरे को लगता है वही होगा, इंडिया ही जीतेगा और पाकिस्तान को तो वापस घर से ही लौटना ही पड़ेगा, ऐसे ही खाली हाथ लौटना ही पड़ेगा। जी न्यूज़ की लगातार जारी है, जिस पर दिन भर हमारी कवरेज में हम बात करेंगे इस मुकाबले को लेकर उत्साह कितना ज्यादा है, इस मुकाबले पर नजर लगातार है। दुबई में शाम 7:30 पर ही महामुकाबला होने वाला है। मेंटोर के तौर पर धोनी जो है टीम इंडिया का साथ देंगे, तो एक दिलचस्प मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मौका भारत पाकिस्तान के बीच आज T20 मैच जो होने वाला है। शाम 7:30 का इंतजार पूरे देश दुनिया को है, क्योंकि आज इस महामुकाबले पर नजर है जिसमें भारत पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। तो क्रिकेट के इस महामुकाबले में आज जीत के लिए भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ, T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे और T20 में यह मुकाबला 5 साल बाद हो रहा है, लिहाजा बहुत ही खास ये मुकाबला, ये मौका रहने वाला है। और खास बात यह कि हर बार पाकिस्तान की करारी हार हुई है। रोहित शर्मा, के राहुल टीम इंडिया की पारी की शुरुआत करेंगे वर्ल्ड T20 में। पहली बार ये जोड़ी भारत के लिए ओपनिंग करने वाली है। टीम मैनेजमेंट को इस जोड़ी से बहुत ज्यादा उम्मीद, और अगर भारत का ये दांव सफल रहा तो फिर विरोधी टीम के लिए ये सलामी जोड़ी एक बड़ा सरदर्द साबित होगी। इस खास रिपोर्ट के साथ करेंगे सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़े मुकाबले पर पहली रिपोर्ट के साथ शुरुआत। एक तरफ व्हाइट बॉल में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार रोहित शर्मा, तो दूसरी तरफ इनफॉर्म केएल राहुल। T20 वर्ल्ड कप में इन्हीं दो धाकड़ बल्लेबाजों पर ओपनिंग की जिम्मेदारी होगी। टूर्नामेंट से पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि कप्तान विराट कोहली खुद सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान विराट ने साफ कर दिया कि ओपनिंग तो रोहित और राहुल ही करेंगे। विराट ने तब कहा था कि आईपीएल से पहले हालात अलग थे, लेकिन जिस तरह केएल राहुल ने आईपीएल में बेहतरीन बल्लेबाजी की उसे देख उन्हें भूलना गलती होगी। रोहित शर्मा पहले से ही हमारे लिए ओपनिंग कर रहे हैं और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। इस वजह से मैं इस वर्ल्ड कप में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा। केएल राहुल इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है और आईपीएल 2021 में उन्होंने पंजाब किंग्स 11 के लिए 626 रन बनाए। रन बनाने के मामले में वो इस सीजन में तीसरे नंबर पे थे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच में उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 51 रन बना डाले थे। ऐसे में टीम मैनेजमेंट मानता है कि ओपनिंग में राहुल ही रोहित के बेस्ट पार्टनर होंगे। वैसे भी केएल राहुल पहले भी टीम इंडिया के T20 फॉर्मेट में ओपनिंग कर चुके हैं, वही रोहित शर्मा इस फॉर्मेट के सबसे अनुभवी बल्लेबाज हैं। 111 T20 मैचों में 103 पारियों में रोहित ने 32 से भी ज्यादा की औसत से 2,864 रन बनाए हैं। इसमें 4 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं। भारत की सफलता में रोहित शर्मा और राहुल की सलामी जोड़ी की अहम भूमिका रहेगी। अगर ये जोड़ी चल गई तो फिर विरोधियों के लिए भारत से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम जितना ज्यादा मजबूत, गेंदबाजी भी उतनी ही ज्यादा धारदार है। तेज गेंदबाजी को धार देने के लिए टीम में मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, ये तमाम दिग्गज गेंदबाज मौजूद है। तो वही रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन और वन बॉय वरुण चक्रवर्ती की फिरकी पाकिस्तान को एक बार फिर से घुटने टेकने पर मजबूर आज करेगी। भारत पाकिस्तान का महामुकाबला, और इस महामुकाबले में कौन से गेंदबाज छुड़ाएंगे पाकिस्तान के बल्लेबाजों के पसीने, इस पर सभी की नजर टिकी है। भारत और पाकिस्तान के मैच में हमेशा पाकिस्तान की बॉलिंग को बेहतर माना जाता रहा है,
लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। भारत की गेंदबाजी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। टीम इंडिया के गेंदबाज लंबे समय से टीम से जुड़े तो हैं ही, साथ ही पाकिस्तान के बॉलर्स हाल ही में टीम में शामिल हुए हैं, और यही वजह है कि हर डिपार्टमेंट से टीम इंडिया की गेंदबाजी पाकिस्तान पर भारी है। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की बैटिंग की कमर तोड़ कर रख देंगे। भारतीय टीम वर्ल्ड T20 में अपने स्टार गेंदबाजों के साथ उतरी है। मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, राहुल चहर, वरुण चक्रवर्ती। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय टीम के गेंदबाज इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी की तिकड़ी किसी भी टीम को परेशानी में डाल सकती है, और डेथ ओवर्स में तो इन तीनों का कोई सानी ही नहीं। बुमराह की बात करें तो बुमराह इस वक्त शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 50 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और 59 विकेट लिए। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 6.66 की रही है। इस साल IPL में बुमराह ने 21 विकेट लिए थे और सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में से तीसरे नंबर पर बुमराह ही रहे थे। वहीं बात करें शमी की, तो शमी ने 12 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में 12 विकेट लिए हैं। शमी का UAE में प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस साल IPL में उन्होंने 19 विकेट लिए थे और 5वें स्थान पर रहे थे। भारतीय टीम के स्विंग मास्टर यानी कि भुवनेश्वर कुमार काफी लंबी समय से चोट से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ वापसी की और तभी से लगातार टीम इंडिया का हिस्सा है। भुवनेश्वर के नाम 51 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचों में 50 विकेट हैं और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 6.90 का रहा है। वहीं भारत के लिए सबसे अहम साबित हो सकते हैं रविंद्र जडेजा, क्योंकि जडेजा ने 50 T20 मैचों में 7.10 की इकोनॉमी रेट से 39 विकेट लिए हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, शार्दुल ठाकुर और राहुल चहर का हालिया प्रदर्शन भी पाकिस्तानी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए सबसे बड़ी कवरेज में शुरुआत करते हैं। हम दिल्ली से रिपोर्ट कर रही है महिमा कटारिया, मेरे साथ मेरी सहयोगी हमारी संवाददाता। वेरी गुड मॉर्निंग महिमा। विरोधी सावधान, क्योंकि जीतेगा तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है, हौसले है वो ये बताते हैं, और जो जोश है, अगर हम बात करें दिल्ली वासियों का, कितना खास नजर आता है। देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली की नजरें आज, दिल्ली समेत पूरी दुनिया की नजरें आज दुबई के उस इंटरनेशनल स्टेडियम पर। महिमा कटारिया, गुड मॉर्निंग। निधि, जिस तरीके से आपने साफ तौर से बताया कि T20 वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मैच है इंडिया पाकिस्तान के बीच, सबकी नज़रें मैदान पर है, 7:30 घड़ी में कब बजेंगे, सभी लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 5 मैच इंडिया जीती, और यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, और कुछ लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो एक्साइटमेंट है मैच को लेके वो दिख रही है। कितने एक्साइटेड हैं आज के मैच को लेके? मैम, आज का मैच काफ़ी एक्साइटेड होगा, क्योंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का T20 में 6th टाइम मैच है और इंडिया आज तक कभी भी नहीं आ रही है वर्ल्ड कप में। तो आपको क्या लग रहा है, कौन सा जो प्लेयर है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे? मैम, KL राहुल के पास फॉर्म है, एंड रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर भी सब काफ़ी चीज़ें डिपेंडेड होगी, क्योंकि वही सीनियर प्लेयर्स हैं, और पाकिस्तान के पास भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं इस बार, बाबर आजम जैसे कि, और काफ़ी पुराने प्लेयर्स भी वापस आए हुए जैसे कि शोएब मलिक। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के से सबको रोहित शर्मा और KL राहुल से उम्मीद है निधि, और आज के मैच के लिए सभी लोग एक्साइटेड है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मंदिर जा रहा है, सभी लोगों की नजर जो है। बिल्कुल महिमा, देखिए क्योंकि ये देश का युवा है, ये देश के नौजवान है जिनका उत्साह इंडिया गेट से हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, और देश के हर युवा का यही उत्साह है, हर किसी का यही उत्साह है। तो आज जीत का छक्का टीम इंडिया जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में लगा सकती है। हमारी नजर ये कवरेज के जरिए लगातार जारी रहेगी। महिमा कटारिया, हम लौटेंगे आपके पास लगातार। बहरहाल आज का मैच पर विराट सेना को पाकिस्तान के किन खिलाड़ियों से सावधान रहना होगा हम आपको बताते हैं और दिखाते हैं। पहला नाम कौन सा है? पहला नाम है बाबर आजम का, दूसरे नंबर पर है मोहम्मद रिजवान, तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर है फखर जमा का, चौथा नाम है शाहिन अफरीदी का, शाहिद अफरीदी का। पांचवा खतरनाक खिलाड़ी है हसन अली। ये वो बड़े खिलाड़ी जिनसे सावधान रहने की जरूरत है टीम इंडिया को, ये वो नाम है पाकिस्तानी टीम के जिनसे सावधान रहना होगा। इसमें बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है,
और शाहिद अफरीदी है और साथ ही साथ हसन अली है, वो सब बड़े नाम जो हम आपसे साझा कर रहे हैं जिस पर आज नजर रहेगी सबसे बड़े मुकाबले में। से पहले अब तक हुए सारे टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप पे महेंद्र सिंह धोनी बतौर कैप्टन खेले हैं और इस बार भी वो टीम के साथ है बतौर मेंटोर। मगर धोनी की मौजूदगी में न सिर्फ युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है बल्कि कैप्टन कोहली भी धोनी के अनुभव के सहारे टीम को चैंपियन बनाने की चाह रखते हैं। और इस सबसे बड़े मुकाबले पर सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज की जारी, लगातार सीधे चेन्नई चलते हैं, वहां से मेरे साथ सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, इस सबसे बड़े मुकाबले में चेन्नई चीयर करने के लिए टीम इंडिया को कितना तैयार है? मैं चाहूंगी अगर तस्वीरें मुनासिब हो तो आप दिखा पाए। तो हम चेन्नई में हैं, चेन्नई में एक क्रिकेट एकेडमी है और हम देख सकते हैं कि सुबह सुबह उठ के ढेर सारे यंग क्रिकेटर्स, यंग मेन और यंग वुमेन क्रिकेटर्स इधर आए हैं और उनका एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ क्रिकेट के नहीं है, वो क्रिकेट सिर्फ देखने वाले नहीं है, वो क्रिकेट खेलने वाले हैं और उनके एवरेज एजेस हैं 8 साल 10 साल 15 साल। तो इन एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ये क्रिकेट के लिए इतना एंथुजियाज्म दिखाते हैं कि संडे अपने हॉलिडे को सुबह सुबह उठकर आके इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म है कि आज की रात में टी20 में इतना बड़ा एक क्लैश उनको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत साल बाद, लगभग 5 साल बाद डायरेक्टली एक इंडिया पाकिस्तान क्लैश उनको देखने को मिल रहा है। और हम इन यंग क्रिकेटर्स से बात करेंगे कि इनका एक्सपेक्टेशंस क्या है। हु इज योर फेवरेट प्लेयर फॉर टुनाइट? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। ओके, सो हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट द इंडिया पाकिस्तान मैच टुनाइट? Very excited. It's a rivalry. Very excited. It's a rivalry that has been going on for like many years now. They will play in only ICC tournaments because it's very bigger match. Okay. Then also tell me, what are your preparations for tonight? Where are you going to watch the match? Are you going to watch it at home? Yes. Home. Yeah. In home, yes. With friends. So, ये बता रहे हैं कि वो मैच अपने घर पे देखने वाले हैं पर फिर भी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल कर मैच देखकर मजा लेंगे। बिल्कुल सिद्धार्थ, लौटूंगी आपके पास। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज की दिन भर लगातार जारी रहेगी। सबसे बड़ा मुकाबला और विरोधी हो जाए सावधान क्योंकि जीतेगा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड एप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।